भारतीय टीम ने अपनी मेजबानी में हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज खेली। इसके बाद 3 टेस्ट मैचों की वनडे सीरीज भी खेली गई। टेस्ट सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की, लेकिन वनडे में उसे 1-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी। अब टीम इंडिया के खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में अलग अलग फ्रेंचाइजियों के लिए खेलते दिखेंगे। इसी बीच शनिवार को एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के आगामी शेड्यूल के बारे में बताया गया है। भारतीय टीम को जुलाई से अगस्त के बीच में वेस्टइंडीज का दौरा करना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस दौरे पर अतिरिक्त मैच खेलने को राजी हो गया है। टीम इंडिया अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 वनडे के अलावा 5 T20 मैच खेलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज से अलग अलग फॉर्मेट में 10 मैच खेलेगी। वैसे अभी तक तो भारत के वेस्टइंडीज दौरे का कोई शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि सीरीज की शुरुआत 10 से 12 जुलाई के बीच टेस्ट मैच से करने की उम्मीद है। वैसे आप क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना।